हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर थर्सडे की तरह मैंने इस थर्सडे भी ट्राई किया कि आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई टॉपिक दिया जाए, कोई कन्फ्यूजन सॉल्व की जाए, पर चाहकर भी नहीं हो पाया। लास्ट कुछ दिनों से जो टॉपिक इतना तूल पकड़ रहा है, डिप्रेशन डिप्रेशन, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखो, जो भी आर्टिकल देखो, सिर्फ एक ही वर्ड है डिप्रेशन। वर्ड फ़िलहाल टॉपिक सबके लिए अलग है। कुछ लोग सच में नाराज़ हैं, कुछ लोग सच में सदमे में हैं, कुछ लोग डिप्रेशन वर्ड यूज़ करके अपना ही अलग गुस्सा निकाल रहे हैं, अपनी बात कहना चाह रहे हैं इसको एक वेपन बना के। कुछ लोग डिप्रेशन वर्ड को, टॉपिक को यूज़ करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाउ जेनरस दे आर अवेलेबल टू एवरीवन, आसपास के सभी लोगों की बात सुनने को तैयार हैं, जबकि है नहीं। डिप्रेशन वर्ड बार बार जब सुनती हूँ, मुझे सिर्फ ये आसपास के बच्चे नज़र आते हैं, मेरे स्टूडेंट्स याद आते हैं, एंड आई सीरियसली वरी अबाउट दिस जनरेशन। मतलब देखा जाए तो सीरियसली इट्स नॉट देयर फॉल्ट, उनकी गलती नहीं है कि वो इस एरा में पैदा हुए हैं। वो एरा जो टेक्नोलॉजी का एरा है, बहुत बिजी हैक्टिक लाइफ्स हैं, घड़ी भाग रही है, आसपास सारे रिलेशंस फेक हैं। इन बच्चों के माइंड्स इतने पावरफुल हैं और इनका दिल उतना ही सेंसिटिव है। क्या आप समझ पा रहे हैं? दो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें इन्हीं के अंदर बस रही हैं। इनकी गलती बिल्कुल नहीं है कि ये जेनरेशन बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाती है। हम लोग कई बार कंपेयर करते हैं कि पहले ऐसा नहीं था, तो पहले काफ़ी चीज़ें नहीं थी। पहले और अब में अगर आप कंपेयर करें, दो अलग जेनरेशन्स एक जैसी नहीं हो सकती हैं, है कि नहीं। तो पता नहीं क्यों लगा कि इंग्लिश तो सीखी जा सकती है, ये चीज़ तो चलती रहेगी, ग्रामर लैंग्वेज स्किल्स पढ़ाई सब कुछ चलता रहेगा, पर अगर ये टॉपिक इतना तूल पकड़ रहा है, तो आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरे ऑलमोस्ट 100 सब्सक्राइबर्स हैं सिर्फ, पर मेरे लिए हर एक वो स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट है जो मुझ पर कहीं ना कहीं भरोसा करके सब्सक्राइब करता है चैनल और सोचता है कि जो भी मैम बताएंगी वो सही होगा। अभी रिसेंटली पढ़कर इतना सुनकर इतना मन दुखी होता है कि अगर ऐसे एग्जांपल्स इस जनरेशन को मिलेंगे, जो जनरेशन ऑलरेडी इतना टेंशन में है, प्लस दिस कोरोना स्टफ़, इसके बीच में अगर कोरोना के बीच में किसी को डिप्रेशन भी है, तो इट्स ऑलमोस्ट फैटल और इट्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव। सो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो। इफ़ आई कैन हेल्प एनी ऑफ द लाइफ, आई वुड बी मोर देन हैप्पी। बिकॉज देखिए, ट्विटर पे ट्रेंड करना, ये जो लोग कमेंट करते हैं, या मीडिया जो अभी सिर्फ एक ही एक न्यूज़ दिखाएगी कुछ दिनों तक, वो ग्लैमरस लाइफ सेलिब्रिटीज़ का दुख शो करना, ये सब कुछ दिनों के लिए चलेगा, ठीक है। उनकी लाइफ यही है, लोगों का भी यही है, एक टॉपिक जैसे ही आता है उस पर बहुत बवाल मचाया जाता है, एंड देन दे टेंड टू फॉरगेट। यही टेंडेंसी है लोगों की, कुछ दिनों में भूल जाएंगे, फिर अगले एक टॉपिक को उठाकर उस पर सब बोलना स्टार्ट करेंगे। और अगर हम ये सोचें कि एक इंसिडेंट हो गया या उसके बाद बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, द होल वर्ल्ड विल शो ह्यूमैनिटी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चीज़ें वही सेम रहेंगी, सब वैसे की वैसे ही रहेंगे। हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, हमें अपने स्टूडेंट्स को, किड्स को, आसपास जितने बच्चे हैं उन्हें इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि दे शुड ईजिली सर्वाइव इन दिस हार्टलेस वर्ल्ड। हम लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई और सुधरेगा। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटो ये नहीं है कि किसी स्पेशल को डेडिकेटेड है, मेन मोटो है एक इंसिडेंट होता है, उसके बाद जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप भी न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, वो क्यों होते हैं? क्योंकि ऑलरेडी बच्चे टेंशन में हैं, और जब वो कोई ऐसी चीज़ देखते हैं कि एक डिप्रेस्ड इंसान ने क्या किया, तो उसे वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इसलिए ये जो आफ्टर इफ़ेक्ट के जो आप न्यूज़पेपर में इंसिडेंट्स देख रहे हैं, इन चीज़ों को पढ़कर ज़्यादा दुख होता है। और मैं सिर्फ ये कहूँगी, सिर्फ ये वीडियो इनफ नहीं है, डिप्रेशन एक इतना वास्ट टॉपिक है, प्लीज़ जाइए, सारे आर्टिकल्स पढ़िए, वैलिड आर्टिकल्स पढ़िए, वैलिड जो उसके ऊपर रिपोर्ट है वो पढ़िए, और प्लीज़
उसे फॉलो कीजिए। डिप्रेशन इस जेनरेशन में से निकालने के लिए शायद हमें एज अ पेरेंट हमें कुछ चीज़ें करनी होंगी, एज अ गाइड हमें कुछ चीज़ें करनी होंगी। अगर हम बड़े भाई बहन हैं या हम फ्रेंड्स हैं, हमें कुछ चीज़ें करनी होंगी जो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले शायद हमें डिस्कस कर लेना चाहिए डिप्रेशन एग्जैक्टली क्या है। लोग तरह तरह के नाम देते हैं। एक स्क्रीन के पीछे बैठकर आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, या एक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, कुछ लाइक्स गेन करने के लिए आप एक कमेंट छोड़ देते हैं, बट डिप्रेशन एक्चुअल में वो नहीं है। डिप्रेशन डिप्रेशन है, इसे दूसरी नाम देने की ज़रूरत नहीं है। डिप्रेशन एक बीमारी है, सेम जैसे आपके बाकी ऑर्गन्स को बीमारी होती है, ऐसे ही दिमाग की बीमारी है कि नहीं? आप सबने देखा होगा अक्षय कुमार सर ने एक इतना अच्छा वीडियो पोस्ट किया है। सुनकर सच में लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी कुछ गलत कर रहे हैं, हम भी उतने स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं जो हमें लेने चाहिए, या हम इतना सीरियसली डिप्रेशन को ले ही नहीं रहे हैं अनटिल अनलेस कि इंसान चला जाए। जैसे कुछ चीज़ें जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमें नहीं करना चाहिए, उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम बोलते हैं क्या है, ज़्यादा टेंशन लोगे तो डिप्रेशन होगा ही, ठीक है? ये चीज़ बहुत पीटीएम में, पेरेंट्स टीचर मीट में सुनने को बहुत आती है। एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, एज अ पेरेंट हमें सच में समझना पड़ेगा, टेंशन डिप्रेशन को लीड करता है। ठीक है, टेंशन ज़्यादा लेंगे डिप्रेशन होगा, पर हमेशा टेंशन लेने से डिप्रेशन होता है ऐसा नहीं है। डिप्रेशन एक बीमारी की तरह, अगर मैं कहूँ कि किसी को कैंसर है, किसी को लिवर इन्फेक्शन है, वो बीमारी उसके अंदर आ गई, ठीक है, चलाकर नहीं लाई उसने, वो बीमारी आ गई। नाउ हिज और हर बॉडी इज स्ट्रगलिंग टू लिव विद दैट डिजीज़। सेम एज़ विद डिप्रेशन, जो ईदर टेंशन से आती है या विदाउट टेंशन भी आ जाती है। एक बीमारी आ गई है माइंड में एंड नाउ द पर्सन इज स्ट्रगलिंग टू लिव विद द डिप्रेशन। आई ऑफ्टन सी पीपल आस्किंग किस बात का डिप्रेशन है। डू यू थिंक दीज सेलिब्रिटीज और एनी वन, आई डोंट वॉन्ट टू टेक नेम, बट एनी वन, एनी सेलिब्रिटी हु कमिट सुसाइड, वर दे लैकिंग समथिंग? उन्हें किसी चीज़ की कमी थी? मनी, गुड लुक्स, लग्जरी, एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल लेवल, एवरीथिंग एवरीथिंग। सो डिप्रेशन इज नॉट रिलेटेड टू एनी रीज़न, खुद आ गया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें करके उस इंसान का डिप्रेशन निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई बीमार है, प्लीज़ प्रॉपर, उसे ऑप्टिमिज्म की ज़रूरत है। डिप्रेशन जो बीमारी है, जैसे लिवर इन्फेक्शन में लिवर काम करना बंद कर देता है, डिप्रेशन में दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है? जो चीज़ें जैसी हैं वो उस इंसान को नहीं दिख रही हैं, उसे सिर्फ नेगेटिव और डार्क चीज़ें दिख रही हैं। जब दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, आप उस पर बड़े बड़े ज्ञान झाड़ेंगे तो उसे कैसे समझ में आएगा? सभी चीज़ें साथ में लेकर चलिए, मेडिसिन, उसको थोड़ा आशा की तरफ ले जाना, ऑप्टिमिज्म, और साथ में मोटिवेशन, साथ में उसका दुख सुनना। हम किसी की कोई बात सुनते नहीं हैं, उससे पहले हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू विद पर्सनल एक्सपीरियंस, ऐसा तो नहीं है सबकी लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेस। सभी की लाइफ में दिक्कत है, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम है, एंड जब भी हम किसी को सच में अपना दुख बताने लगते हैं, द पर्सन कम्स अप विद अ सॉल्यूशन। Not every time a depressed person needs solution. आप सुनिए, सिर्फ किसी टाइम सुनिए, हो सकता है उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका उसे सॉल्यूशन चाहिए। उसे सिर्फ डिप्रेशन है, उसे सिर्फ चीज़ें दिख नहीं रही हैं साफ, उसे सिर्फ सब कुछ ऐसा लग रहा है कि गलत हो रहा है उसके साथ या वो गलत कर रहा है सबके साथ, ठीक है? ऑब्वियसली डिप्रेशन डजंट लेट यू फील द राइट वे, आपको अच्छे तरीके से वो सोचने ही नहीं देता। ऐसा नहीं है कि अभी ये टॉपिक बढ़ा है तो आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन इट। जितना भी लंबा टाइम निकला, जितना भी टीचिंग में, जब भी कभी मुझे ऐसा लगा कि किसी बच्चे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ सिम्टम्स, आई ऑलवेज ट्राई टू इन्फॉर्म द पेरेंट। वो अलग बात है कि कभी पेरेंट्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया ही नहीं। एंड ट्रस्ट मी, इट्स वेरी कॉमन इन इंडिया। लाइक डिप्रेशन को पेरेंट्स इतना हल्के में लेते हैं। So let's just start what we should do. In some other video, we'll discuss how to find out or what are the symptoms. Although you'll find many articles related to it, still, if I'll feel like I'll make a video ki hume kaise symptoms pata karne hain, because depressed person or introvert person bahut alag hote hain.
देयर इज़ अ फाइन लाइन मार्जिन बिटवीन दैम. हम डिस्कस कर लेते हैं हमें क्या चीज़ें नहीं करनी हैं. सो वेरी फर्स्ट थिंग जो आपने बहुत बार सुनी है कि बच्चे को कंपेयर करना बंद करें. प्लीज़ बच्चे को कंपेयर करना बंद करें किसी दूसरे बच्चे से या आपके खुद के बचपन से. समझ रहे हैं, आपके बचपन में वो चीज़ें नहीं थी. आप 2 साल के थे तब आपके मम्मी पापा ने आपके हाथ में मोबाइल नहीं पकड़ाया था. आपको टेक्नोलॉजी शायद 10 से 15 साल तक पता भी नहीं थी. आपके पेरेंट्स दोनों वर्किंग नहीं थे. आपके आसपास रिलेटिव्स, आपका नेबरहुड, पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स सब इतने बिजी नहीं थे जितने सब अब हैं. इतना कॉम्पिटिशन नहीं था. आपके पेरेंट्स को आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनाने की इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. ना आपको खुद को आसपास इतना कंपटीशन दिखता था. अगर सच में कोई दोस्त है तो वो दोस्त था, जो दुश्मन है वो दुश्मन था. सेकंड थिंग, आप ये कहना बंद कर दें, ये सोचना बंद कर दें कि मेरे बच्चे के पास सारी चीज़ें हैं. सारी मतलब सारी लग्जरी है. हमने अभी वीडियो में पहले भी बात की, सारी चीज़ें होते हुए भी डिप्रेशन ये है कि उसके पास मन की शांति नहीं है. डिप्रेशन पैसे ना होने से नहीं आता है. डिप्रेशन है सब कुछ है या शायद सब कुछ कुछ भी नहीं है, पर मन की शांति तो डेफिनेटली नहीं है. थर्ड थिंग, कई बार मैंने पेरेंट्स को कहते सुना है मेरा बच्चा डिप्रेस नहीं लगता. डिप्रेशन का कोई फेस नहीं है. आपको कभी लगा जितने लोगों ने सुसाइड किया या उन लोगों के आसपास के लोगों को अगर लग जाता तो शायद वो इंसान सुसाइड ही नहीं करता, इज़न्ट इट? तो डिप्रेशन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि आपको दिमाग दिख नहीं रहा, आपको थॉट्स दिख नहीं रहे. डिप्रेस्ड इंसान अंदर से कुछ और सोच रहा है, आपको बाहर कुछ और बता रहा है. अगर अंदर वो जो सोच रहा है वही आपको वो बाहर बता रहा है तो उसे डिप्रेशन है ही नहीं ना. आप बोलते हैं वो इंसान शेयर क्यों नहीं करता. अजी, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो बीमारी है. यही तो प्रॉब्लम है कि वो इंसान शेयर नहीं कर पा रहा है. अगर आपको कहीं भी कुछ भी सिम्टम्स लगते हैं, कोई बच्चा आपको दुखी लग रहा है पर वो कोई बात नहीं बता रहा, तो ज़रूरी नहीं कोई रीज़न हो, या हो सकता है कुछ रीज़न भी हो, उससे सुनना स्टार्ट कीजिए, उससे बोलना स्टार्ट कीजिए. एंड लास्ट द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग. मुझे ये चीज़ सुन के कई बार इतना हर्ट होता है. इंडिया में स्पेशली गांव साइड ये चीज़ बहुत, पेरेंट्स में ये ज़्यादा है. मजाक उड़ाकर जब भी ऐसा कुछ बोला जाए, डिप्रेशन या कुछ वर्ड यूज़ किया जाए, दे लाफ एट इट एंड से अभी तो पैदा भी नहीं हुआ, किस बात का डिप्रेशन है. डिप्रेशन का एज तो नहीं है. अगर डिप्रेशन किसी चीज़ से रिलेटेड ही नहीं है तो आप कैसे मान सकते हैं कि वो पैदा नहीं हुआ है पूरा, तो उसे डिप्रेशन नहीं होगा. छोटा बच्चा है, उसके अपने स्ट्रगल्स हैं. हो सकता है वो उन अपने खुद के स्ट्रगल से मैनेज नहीं कर पा रहा हो. अगर मैं कहती हूँ मेरी लाइफ सबसे हार्ड है, आपकी लाइफ आसान है, ऐसा नहीं है. हो सकता है एक आसान लाइफ को भी सर्वाइव करने में मुझे दिक्कत हो रही हो क्योंकि मेरा मेंटल लेवल उतना ना हो, या हो सकता है एक सच में बहुत हार्ड लाइफ है जिसे मैं बहुत आसानी से मैनेज कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा मेंटल लेवल बहुत अच्छा है. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए. बाय बाय.